गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 49वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत स्वच्छ भारत समर्थ भारत की आधारशिला है विषयक सम्मेलन में मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री परमार्थ आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। भारत में ऋषि और कृषि पर आधारित ज्ञान विज्ञान और सामर्थ्य तथा समृद्धि का नवीन मार्ग प्रशस्त हो चुका है। दुनिया में भारत की यश प्रतिष्ठा के पुनर्स्थापना का नव युग के हम साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की कृपा से भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ है जो जगत गुरु भारती की पुनर्प्रतिष्ठा के यज्ञ में दिन रात अपनी क्रमहूति डालने में तल्लीन है। योग अध्यात्म धर्म एवं संस्कृति की प्रतिष्ठा एवं दुनिया में उसकी स्वीकारता हेतु भारत के प्रयत्न का रथ अहर्निशी बढ़ रहा है। समर्थ और समृद्धि भारत की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। ऐसे में भारत के शासन प्रशासन के साथ साथ जनता का एक एक प्रयत्न एक एक कदम महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत अभियान इसी समर्थ भारत अभियान की आधारशिला है। सम्मेलन में मंच पर दिगंबर आखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास जी, नैमिष नारायण के स्वामी विद्या चैतन्य जी, कटक उड़ीसा के महंत शिवनाथ, बड़ौदा के महंत गंगा दास जी, महंत मिथिलेशना जी, महंत रविंद्रनाथ जी, महंत प्रेमदास जी, महंत राम मिलनदास जी, महंत पंचानन पुरी आदि संत महात्मा उपस्थित थे। सम्मेलन का शुभारंभ युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज को पुष्पांजलि के साथ प्रारंभ हुआ। वैदिक मंगलाचरण श्री रंगनाथ त्रिपाठी तथा गोरक्ष अष्टक पाठ पुनीत पांडे एवं प्रियांशु चौबे ने प्रस्तुत किया। मेजर पाटेश्वरी सिंह, माधवेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, श्री अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने अतिथियों को माल्य अर्पण कर स्वागत किया। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। उस पृथ्वी को बचा ले, पृथ्वी उसको बचा लेती है, गंदगी को बचाती है और बदले में देती क्या है? जिंदगी। गंदगी बचाती है, जिंदगी देती है। और तीन शब्द बड़े विचित्र हैं, इन शब्दों पर ध्यान दें, गंदगी, जिंदगी और बंदगी। गंदगी पर विजय पाना जिंदगी है और जिंदगी जो जीता है वो बंदगी के योग्य होता है। हम इस बात को आज से नहीं, अभी पूज्य संत ने, हमारे प्रोफेसर साहब ने इतिहास के अनेक उदाहरणों के द्वारा ये समझाने की कोशिश की है कि स्वच्छता की अनिवार्यता या स्वच्छता की आवश्यकता क्यों है। मैं एक दिन मॉरिशस में वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री अंद्र जगन्नाथ जी के साथ मॉरिशस की राजधानी का भ्रमण कर रहा था। अचानक मैंने प्रधानमंत्री महोदय से पूछा कि यहां क्या मुस्लिम लोग रहते हैं। उन्होंने चौंक कर पूछा कि आपको कैसे पता कि यहाँ मुस्लिम रहते हैं। हमने कहा नहीं, यहाँ की गंदगी देखकर ही पता लगा कि वहां मुस्लिम है। ये किसी जाति के ऊपर मेरी टिप्पणी नहीं है, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं है। अभी भगवान सिंह जी कह रहे थे कि स्वच्छता का संबंध मन से है और मैं तो समझता हूं स्वच्छता का संबंध हमारे आचरण से है। मन में स्वच्छता के भाव हों लेकिन उन भावों को अगर हम आचरण की दिशा नहीं दे पाते तो स्वाभाविक है कि हम उस स्वच्छता को व्यवहार में नहीं देख सकते, व्यवहार में नहीं प्राप्त कर सकते।